आज हम आए हैं देखने कैसे बनता है फेमस चॉकलेट शेक अमर कॉलोनी का, और इसके लिए हम आए हैं इंस्टा फ्रीज अमर कॉलोनी मेन मार्केट। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स सब में डाले जाते हैं वो डाल दिए जाते हैं, ओरियो किटकैट। इसमें आपको पीनट बटर भी देखने को मिलेगा, अच्छे अमाउंट में देखने मिलेगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ऊपर से आ जाता है हर्शीज का चॉकलेट सिरप, और इन सबको कर दिया जाता है मिक्स। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं ग्लास पे सबसे पहले चॉकलेट जो है वो अच्छे से स्प्रेड करा जाता है डिज़ाइन के लिए, और उसके अंदर डाल दिया जाता है हमारा चॉकलेट शेक। उसके ऊपर से आ जाती है आइसक्रीम। आइसक्रीम किसी भी चीज़ की कोई कमी यहाँ पे रहने वाली है। आइसक्रीम रहती है आपकी नॉर्मल बनिया, ऊपर से ऊपर की टॉपिंग में डाली जाती है इसमें किटकैट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे शेक हैं जो ऊपर से डेकोरेट कर जाते हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। हर टाइप की वेफर जो तो आपको ऐसे नॉर्मल चॉकलेट शेक में दिखने को मिलती है वो यहाँ पे भी होती है। उसके ऊपर से आ जाते हैं और चॉकलेट वेफर्स, नॉर्मल वेफर्स, और उसके ऊपर से आ जाती है हमारी डेरी मिल्क। किसी भी चीज़ की कमी कोई यहाँ पे नहीं रहने वाली है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी वीडियो और बाकी है। ऊपर से आ जाती है ओरियो की टॉपिंग्स। अब ये ओरियो शेक भी आप इसे कह सकते हैं, पर इसमें इतना ओरियो यूज़ नहीं हुआ है। हाँ, ओरियो डाला जरूर गया। आप देख सकते हैं जो ऊपर से और टॉपिंग्स आनी चाहिए वो आ रही हैं। किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो